वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आई थिंक रिलेशनशिप ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान have historic roots. In the recent crisis of Pulwama, we saw that if one country that go all the way for Pakistan and Pakistani narrative has actually been supported by Turkey like no other country in the world. And it's not surprising. The relationship of Turkey and Pakistan have historical significance. I would say the Pakistan, obviously the state is based on the two nation theory, and after Sir Syed Ahmed Khan, the political event that jolted this whole two nation theory is actually the Caliphate movement in 1920s. So this was not a support for any system or any personality. वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी का सबूत दिया पाकिस्तान के मीडिया ने, और उसकी वजह से जो पजीराई मिली हमें बैनुल अक्वामी मीडिया में, उससे पाकिस्तान का कद बढ़ा है। एक बहुत अरसे के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, और आज अगर आप देखें तो इस नैरेटिव में हिंदुस्तान तन्हा हुआ है और पाकिस्तान जो है उसको जो एज मिला है। ज़रूरी है जो अगली हमारी जो सोच है उसमें ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि हम अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट के जाविये से ना देखें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पीटीआई का जो वीएन है, जो हमने नई वीज़ा पॉलिसी लेके आ रहे हैं, परसों इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब उस वीज़ा पॉलिसी का जुमेरात को 5 मुल्कों का जो प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। उसका जो बुनियादी मकसद है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोल रहे हैं, और उसमें जो 5 ममालिक तुर्की है, चाइना है, यूके है, मलेशिया है, चीन है, इनसे हम शुरू कर रहे हैं। ये इनको ई वीज़ाज़ दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली फेज़ है उसमें बहुत जो ममालिक हैं, 55 ममालिक जो हैं, उनको वीज़ा फ्री यानी एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा फैसिलिटी मिलेगी। सो जब हम इस किस्म का एक ओपननेस लेके आ रहे हैं तो उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो मीडिया नैरेटिव है वो भी तगड़ा हो, और मीडिया नैरेटिव जो तगड़ा होगा वो हमें होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। हमने हमारी जो इनकी जो हमारी जो अपनी एजेंसी है APP, उसको हमने रीवैम्प किया करने का फैसला किया है। उसको इंशाल्लाह ताला हम डिजिटल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बना रहे हैं। उसके अंदर हमने एक पूरा शोबा जो है वो कायम कर दिया है, डिजिटल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह चंद महीनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान की रियासत की जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत एट पार होगी, इंशाल्लाह जदीद जो एजेंसीज़ हैं उनके बराबर होगी। तो एक उसको हमने लेके के आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल प्रेस को वो कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ और एक इंटरनेशनल नैरेटिव हमारा जो है उसको हमें प्रमोट करना है। आज इंशाल्लाह ताला जिस तरह से जो अगली जंगें हैं वो आइडियाज़ की ज़्यादा जंगें हैं। अभी आपने देखा कि काइनेटिक वॉर्स जो हैं उनका एक उसको उठाया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत कोशिश की अपने इंतखाबात के लिए एक जंगी जो जुनून और माहौल पैदा करने की, लेकिन जब आपने एक मीडिया का रवैया देखा, जब इंटरनेशनल मीडिया का रवैया देखा और देखा कि ये नैरेटिव नहीं बिक रहा, उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब लड़ाइयाँ आइडियाज़ की लड़ाइयाँ हैं, आइडियाज़ की लड़ाइयाँ जो हैं वो आइडियाज़ से लड़ी जाती हैं। काइनेटिक वॉर्स नहीं है उनमें, बारूद बम ये वो उनकी ज़्यादा अभी इतना मामला जो है वो नहीं रहा। इसलिए हमने एक मीडिया फ्रेंडली पॉलिसीज़ को बनाया है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ खड़ा है, दुनिया से हम अलग होके नहीं चल सकते हैं। बहुत गलतियां हमने माजी में भी की हैं, लेकिन हम उन गलतियों के तदारुक का वक्त है, उसको हम लेके आगे चल रहे हैं। सो आई वांस अगेन वेलकम आवर फ्रेंड्स फ्रॉम टर्की, एंड आई होप यू विल हैव ग्रेट स्टे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैविंग मोर टर्किश कंपनीज हियर, मोर टर्किश प्रेजेंस हियर इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।